अभी मैं देख रहा था मेंस एक्सपी एक नई वीडियो जिसमें वो बात कर रहे थे अमेज़न प्राइम की एक नई वेब सीरीज पंचायत के बारे में। मैंने ये वेब सीरीज ऑलरेडी देखी हुई है 2-3 दिन पहले। सिंपल लाइफ चाहिए यार, नहीं करना एडवेंचर। सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ रिव्यू। सो दिस इज नॉट एन एक्चुअल रिव्यू बट सिंपली माय ओपिनियन कि मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में, इस सीरीज के बारे में, और मेरे एक्सपीरियंस से आपको क्या करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर आप मेरा राय जानना चाहते हो इस बारे में तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। अरे भैया हाथ तो धो ले लीजिए। सो हे व्हाट इज अप गाइस, स्टार्ट करते हैं। पंचायत बेसिकली पहली बात तो Amazon Prime पर अवेलेबल है। सो अगर आपके पास प्राइम वीडियो है तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। एंड द थिंग इज कि इसमें फीचर्ड है TVF के द फेमस जीतू भैया। और सिंपल सी स्टोरी है। सो जीतू भैया एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं पंचायत सचिव का, पंचायत सेक्रेटरी का। सो द थिंग इज कि शो जहां पे शुरू होता है, जीतू भैया अपने जॉब से मतलब परेशान है, उनको जॉब पसंद नहीं है पंचायत सेक्रेटरी की, क्योंकि 20,000 सैलरी है। हालांकि गवर्नमेंट जॉब है जिसके पीछे लोग पागल है, लेकिन उनको पसंद नहीं है बिकॉज उन्हें एक प्राइवेट जॉब की जरूरत है। और वो धीरे धीरे परस्यू करते हैं कैट की तरफ। शुरुआत ऐसी होती है गाँव में, वो जो है गाँव में आते हैं, फुलेरा है गाँव का नाम, बलिया डिस्ट्रिक्ट शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अपना सारा सामान लेकर के आते हैं कटारा से, बाइक भी लेकर के आते हैं कटारा। बट मैंने एक्सपी की वीडियो में ही देखा था, इसलिए मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। एक बाइक लेकर के आते हैं और बेसिकली वो थोड़ा फनी लगता है देखने में। उसके बाद एंट्रेंस होने के बाद मेन कैरेक्टर्स, चार या पांच कैरेक्टर्स है मेरे ख्याल से, चार मेन है उसमें से, गाँव के प्रधान है, गाँव के उप प्रधान है, उनके सेक्रेटरी जो कि जीतू भैया है, और एक और कैरेक्टर है जो पंचायत में ही काम करता है, पता नहीं शायद वो जीतू भैया का असिस्टेंट टाइप है, सेक्रेटरी का असिस्टेंट है, पता नहीं हेल्पर टाइप का, एक स्टाफ वर्कर है, एक क्लर्क है, जो भी है। हम हुए विकास, आपका ऑफिस सहायक। और गांव के जो एक्चुअल प्रधान है वो प्रधान ही, वो एक लेडी है, लेकिन वो कुछ नहीं करती, जस्ट फीमेल कैंडिडेट की सीट थी इसलिए उनको खड़ा किया गया, प्रधान उनके पति है। तो इनके बीच में चलता है, जीतू भैया परेशान है, वो करना नहीं चाहते इस जॉब को, लेकिन अब कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। शुरुआत ऐसी होती है, फिर वो कैट की तरफ जाते हैं, धीरे धीरे कैट की प्रिपेयर करते हैं, बट एट द एंड धीरे 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 कर कर करके शो के एंड में उनको गाँव से प्यार हो जाता है। सो यही सारे इंसिडेंट चलते रहते हैं, बीच बीच में काफी सारे सीन है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस एपिसोड, इस शो में एक एपिसोड है जहां पर कुछ गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया, कुछ बैड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, अदरवाइज पूरा शो एकदम क्लीन है। आप अपनी फैमिली के साथ भी बड़ी आसानी से देख सकते हो, बहुत मजा आएगा, यू विल फॉल इन लव विद दिस कैरेक्टर्स, मजा आएगा आपको, उसके लिए आप पूरी तरह से देख सकते हो। सारे कैरेक्टर्स बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है, वेरी नाइसली डन, और बस चलते रहता है शो, चल रहा है ऑन एंड ऑन। बीच में काफी सारे मूवमेंट्स आएंगे जहाँ पे आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। एट द एंड जीतू भैया को गांव से प्यार हो जाता है, बस शो खत्म हो जाता है। बीच में उनके बीच में चल रहे हैं, हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ नया हो रहा है, कुछ नए इंसिडेंट हो रहे हैं, और उसको कैसे डील कर रहे हैं। जीतू भैया परेशान है, लेकिन जो प्रधान जी हैं और वो प्रधान और जो तीसरा कैरेक्टर है वो हेल्प कर रहे हैं। एट द एंड सब कुछ सही हो जाता है। अरे अपने घर में रुकवा लेते हैं, घर में जवान बेटी है और एक अनजान आदमी को घर में रुकवाएंगे। पूरा गांव में एकदम सिंपल है, बहुत ज्यादा लो बजट है, लेकिन प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज्यादा है, कंटेंट रिच है, काफी अच्छा है, डेफिनेटली यू शुड वॉच। पुरानी हिंदी फिल्मों की याद आएगी, लेकिन बहुत अच्छे से मॉडर्न वे के साथ सब कुछ एकदम फैंटास्टिक है। बीच में एक सीन है जहाँ पर पंचायत के ऑफिस से कंप्यूटर का मॉनिटर चोरी हो जाता है, फिर जस्ट बिकॉज जीतू भैया ने फिर भी के रात को दरवाजा खुला छोड़ दिया था, नेक्स्ट डे वो मॉनिटर वापस आके कोई दरवाजे पर रख के चला जाता है, और उसके साथ एक नोट छोड़ के जाता है जिसमें लिखा रहता है कि हमने सोचा था ये टीवी है, और वापस दे जाता है बिकॉज उसके काम का नहीं है। इतनी सिंपलिसिटी है, बहुत सही, थम्स अप नहीं लगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सीरीज को जरूर देखना, Amazon प्राइम में है, यू नो टॉरेंट में भी मिल जाता है, बट देखना जरूर, कहीं से भी देखना, क्वारंटाइन वैसे भी कैब में कुछ है नहीं, तो जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बस बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देख मुझे पता है तुझे बड़ी जॉब चाहिए, और अब उसके लिए एक ही रास्ता है।